आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बारकोड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि आप यदि अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपको बारकोड की आवश्यकता पड़ती है तो आपको किस तरह से बारकोड प्रिंट कराना है, कहां से आपको बारकोड लेना है, बारकोड लेना है या नहीं लेना है, ये सारे मसलों का हल आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि कोई त्रुटि रह गई है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल करके इस नंबर पर पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भी मेल करके क्वेरी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप FMCG में किसी प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो या फिर अलग अलग बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं FMCG में जिस पे बारकोड आता है, राइट। तो बारकोड्स जो आप देखते हैं बड़े ब्रांड्स के कंपनीज के पैकेट पर बारकोड देखते हैं, जैसे एज ए एग्जाम्पल ये एक ब्रांड है जिसके ऊपर ये बारकोड लगा हुआ है, तो ये बारकोड अगर आप इस तरह के बारकोड चाहते हैं तो ये बारकोड आपको परचेज करना होता है GS1 डेटा कार्ड के साइट से, या फिर आप सहूलियत चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको बना बनाया बारकोड मिल जाए तो आप डेटा कार्ड की साइट पर जाकर सिर्फ आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, वो सारी सुविधाएं आपको ऑन कॉल प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आप खुद भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने डेटा कार्ड का साइट खोला है, आप यहां से जाके गेट अ बारकोड पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके और यहां से बारकोड परचेज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत रेट चार्ट दिखा देता हूं, इसका रेट चार्ट देख लीजिए आप, इस तरह का इसका रेट चार्ट है। इनकी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होती हैं कि आप यदि 5 करोड़ से कम टर्नओवर है आपका तो आपका रजिस्ट्रेशन फी 10,000 रुपये है और सब्सक्रिप्शन फी क्या है, 1 साल का 7,500 रुपये जिसमें टैक्सेस इतने हैं और आपको टोटल 1 साल का फी जो देना है वो 20,650 रुपये देना है। इसमें आपको 100 बारकोड मिलते हैं, 100 बारकोड को आप अलग अलग 100 प्रोडक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कई जगह कस्टमर क्या कन्फ्यूज होते हैं कि सर क्या मेरे पास 250 ग्राम का कोई पैकेट है और उसको मैं 10,000 पीस प्रिंट करवा रहा हूं तो क्या मेरे को 10,000 बारकोड लेने पड़ेंगे? जी नहीं, आपको 10,000 बारकोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 1 बारकोड लेने की आवश्यकता है जो कि आपके उन 10,000 पाउच पर प्रिंट होगा। आप ध्यान रखिए, 10,000 पाउच के लिए आपको अलग अलग बारकोड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 बारकोड विल गो ऑन फॉर दिस, राइट। आप जैसे 250 ग्राम का पाउच रख रहे हैं, मान लीजिए आप 1 किलो का पाउच प्रिंट करवाते हैं तो 1 किलो के पाउच पर फिर से वो बारकोड बदल जाएगा, मतलब आपको अब 2 बारकोड की आवश्यकता पड़ेगी। समझ सकते हैं आप ना, एक प्रोडक्ट के लिए 1 बारकोड। अगर मान लीजिए आप चाय बेचते हैं, चाय पत्ती बेचते हैं आप, जिसमें आपका एक 250 ग्राम का पैकेट है जिसमें आप CTC चाय दे रहे हैं और एक और 250 ग्राम का पैकेट है जिसमें आप चाय की धुली दे रहे हैं, मतलब मोटा दाना चाय दे रहे हैं या फिर पतला दाना चाय दे रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गया, तो दोनों प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा, तो दोनों प्रोडक्ट अलग हो गया तो दोनों का बारकोड अलग होगा। मान लीजिए पैकेजिंग आपकी सेम है, एक ही पैकेजिंग है, प्रोडक्ट अलग है, तो आप अलग अलग बारकोड ही रखेंगे, राइट। आप एक पैकेजिंग के लिए 1 बारकोड छपवाएंगे, दूसरे पैकेजिंग के लिए दूसरा बारकोड छपवाएंगे, राइट। भले ही पूरी पैकेजिंग सेम हो लेकिन बारकोड अलग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अलग हो गया। अब ये बारकोड यूज कहां आता है, इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, बारकोड का देने का पीछे एक ही रीजन होता है कि GTIN जो आपका होता है, GTIN कोड या फिर UPC कोड या फिर EAN 13 जो आपको हर बार जरूरत पड़ता है, या फिर आप ऑनलाइन बेचें या फिर आप ऑफलाइन बेचें, आपको GTIN बारकोड या फिर EAN कोड की जरूरत पड़ती है। यह 13 अंक का एक कोड होता है जो कि आपके प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन को एक सर्वर पर कलेक्टेड रखता है। उस सर्वर पर जैसे आप अगर डेटा कार्ड से बारकोड परचेज करते हैं तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोडक्ट के बनाने में क्या क्या चीजें लगी हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या लगी हैं, आपके कंपनी का नाम क्या है, राइट, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है ना, आपके MRP क्या है, सेल प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, राइट, आपका वेट कितना है प्रोडक्ट का, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप उस डेटा कार्ड के साइट पर जहां से आप बारकोड परचेज करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहां पर आपको 1 बारकोड 1 प्रोडक्ट के लिए असाइन करना है और वहां पर उसमें आपको प्रोडक्ट्स के डिटेल डालने हैं। समझ गए आप?
अगर आप ये खर्चे नहीं पालना चाहते हैं और आप बिना खर्चों के बारकोड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च करके ट्रायल लेना चाहते हैं मार्केट में चलता है कि नहीं चलता है, तो आप अपने पैकेजिंग डिजाइनर को बोल सकते हैं कि तुम मेरे लिए बारकोड बना दो। नॉर्मली कोरल ड्रॉ में ये सारे बारकोड जेनरेट हो जाते हैं, बस वो जो कोड होता है वो यूनिक होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो सस्ते पैकेजिंग डिजाइनर्स होते हैं या फिर जिनको जानकारी नहीं होती है वो क्या करते हैं कि किसी नॉर्मल रनिंग प्रोडक्ट्स का बारकोड उठा के वो वैसा ही बारकोड चिपका देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको क्लेम आ सकता है। जिसका भी वो बारकोड होगा अगर मार्केट में उसका बारकोड उसने देख लिया तो वो आप पे नोटिस डाल सकता है, आपसे मुंह मांगा या फिर अपनी मनमानी के हिसाब से पैसा चार्ज कर सकता है, आपको नोटिस दे सकता है, आपको प्रोडक्ट टेकडाउन करना पड़ेगा, मार्केट से सारे प्रोडक्ट आपको हटाने पड़ेंगे, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी पैकेजिंग डिजाइनर से अगर आप बारकोड बनवाते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि वो बारकोड जो है यूनिक होना चाहिए। बारकोड जो आप बनवा रहे हैं वो तभी काम आएगा जब जैसे मॉल में अगर रखवा रहे हैं या फिर किसी सुपर स्टोर सुपरमार्केट में स्टोर में रखवा रहे हैं सुपरमार्केट स्टोर में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो आपका जो यूनिक नंबर है उस नंबर को वो अपने डेटा में या फिर सर्वर में फीड करते हैं और उसको फीड करने के बाद उस पर उसकी सारी जानकारी को फीड करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, एक्सपायरी कब तक है, सेल प्राइस क्या है, MRP क्या है, इस पर क्या ऑफर लगा हुआ है, राइट। तो जब वो बारकोड को स्कैन करते हैं अपने बारकोड स्कैनर से तो उनको बार बार डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे आप मॉल में जाते हैं आपने देखा होगा कि तुरंत बारकोड स्कैनर से स्कैन करता है और वो सारा डिटेल आ जाता है, बिल में ऐड हो जाता है। तो इसी को सहूलियत देने के लिए, इसी को आसान बनाने के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप यदि बिना बारकोड के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं आप बेशक कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत परेशानी आपको कहाँ आएगी, जब आप बड़े कॉरपोरेट लेवल पर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे जैसे मॉल में या फिर सुपरमार्केट में जहां पर बारकोड की आवश्यकता होती है, तो हो सकता है आपको वो कह दें कि बिना बारकोड के हम आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। तो आप फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप दोबारा उस पैकेजिंग को फेंकेंगे थोड़ी या फिर पैकेजिंग दोबारा थोड़ी छपाएंगे, जो पुराना छप गया है उसको काम में लेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बारकोड के स्टिकर्स बनवा सकते हैं, छोटे छोटे स्टिकर्स बन जाते हैं, हम ये खुद काम करते हैं, आप हमसे भी ये ऑर्डर ले सकते हैं। बारकोड के स्टिकर प्रिंट करवा के आप उसके ऊपर चिपका सकते हैं, कहीं साइड में, नीचे, ऊपर, कहीं भी साइड में आप चिपका सकते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग ऑलरेडी छप गया है, उस पर भी बारकोड आ जाए। तो बारकोड का यूज कहाँ है, बारकोड का यूज कैसे देना है और कहाँ से खरीदना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें मेरे से मिस हुई हैं या फिर आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने व्यापारी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी बताइए बारकोड के बारे में, या फिर अगर कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपके लिए सदैव ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।